नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आप सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और हेल्दी होंगे। मैं आपकी ब्यूटी एंड वेलनेस की टीचर कपिल रानी आज एक नए लेसन के साथ आपका एजुसेट प्रणाली में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लस टू क्लास का लेवल फोर, मतलब प्लस टू यानी लेवल फोर, लेवल फोर का फर्स्ट यूनिट का थर्ड लेसन, जिसका नाम है हमारा सेलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ मेकअप। इससे पहले हमने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने जो लेसन किया था वो किया था, जो है सेकंड लेसन किया था, उसके अंदर मेकअप प्रोडक्ट्स थे। अभी हम बात करेंगे मेकअप प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन की, उनको एप्लीकेशन कैसे करते हैं उनका, और उनका सिलेक्शन कैसे करते हैं स्किन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हमने प्रोडक्ट के बारे में जो हमने लेसन सेकंड में हमने जो पढ़ा था कि कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, लाइक फाउंडेशन, कंसीलर, आई शेडो, लिप लाइनर, ठीक है, लिप कलर, ये तो थे सारे मेकअप प्रोडक्ट्स। अब इनको एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे कि जो जो प्रोडक्ट्स होते हैं स्किन के, उनको एप्लीकेबल कैसे किया जाता है स्किन के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन इसका, इसके बारे में जान लेते हैं हम कि कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करने से पहले हम स्किन के ऊपर उसको चेक करते हैं कि कैसी स्किन के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, हमारी स्किन का टोन कैसा है, हमारे स्किन के फीचर्स कैसे हैं। ठीक है, तो वो सभी ओवरऑल चीजें देख के ही हम जो है एक प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की डार्क स्किन है उसके ऊपर हम और ज्यादा डार्क प्रोडक्ट लगा दें, या फिर किसी की स्किन बहुत ज्यादा लाइट है उसके ऊपर हम और भी ज्यादा लाइट किसी फाउंडेशन का यूज कर दें, तो एक बहुत ज्यादा ड्रामेटिक जो है मेकअप लगेगा। इसी कारण जो है हमें ध्यान रखने की इस चीज की जरूरत है कि अगर हमें स्किन का पता है कि किस टाइप की स्किन है उसके ऊपर किस टाइप का मेकअप जाएगा, किस टाइप का फाउंडेशन हम यूज़ करेंगे, किस टाइप का हम उसके ऊपर कंसीलर यूज़ कर रहे हैं, अगर दाग धब्बे हैं, रेड कलर के धब्बे हैं तो उनके ऊपर कैसा कंसीलर अप्लाई करेंगे, तो ये सभी चीज़ें देखने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम चलते हैं हमारे लेसन के स्टार्टिंग की तरफ, जिसके अंदर हमने आज सारा का सारा जो है टॉपिक पढ़ेंगे मेकअप प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन का। ठीक है, तो इसके अंदर मेकअप प्रोडक्ट्स हमारे वो ही हैं, सेम चीज है जो हमने लास्ट वाले लेसन में पढ़ी थी। और सबसे पहले हम चलते हैं फाउंडेशन की तरफ, व्हाट इज द फाउंडेशन एंड हाउ टू यूज, ये हम चीजें आज हम देखेंगे। फाउंडेशन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि फाउंडेशन जो होता है वो हम स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जब भी हम फाउंडेशन मार्केट से लेके आए तो इस बात का ध्यान रखें कि उसको अच्छी तरह से मैच करके स्किन के ऊपर लेके आए। या तो आप अपनी रिस्ट के ऊपर फाउंडेशन की लेयर लगा के चेक कर सकते हैं, या फिर अपनी जो है साइड जो पार्ट होता है हमारा फेस का, यहाँ पे आप लगा के चेक कर सकते हैं, या फिर नेक एरिया पे लगा के चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी नेचुरल स्किन होती है। ठीक है, हम हमेशा, या फिर यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है आप यहाँ पे रिस्ट पे, यहाँ पे आप फाउंडेशन की लेयर, जो जो भी फाउंडेशन आप लें उनको मैच करें अपने स्किन के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी स्किन से मैच करता हो वो ही फाउंडेशन आप लेंगे। कई बार होता है कि फेस के ऊपर प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हमें फाउंडेशन का मिक्स एंड मैच करना पड़ता है, तो वो आप अच्छी तरह से, अगर आपको नॉलेज हो तो आप मिक्स एंड मैच करके भी स्किन के अकॉर्डिंग आप फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फाउंडेशन का यूज हम करते क्यों हैं। फाउंडेशन एक हमारे फेस के ऊपर लेयर बना देता है, हमारे फेस को इवन टोन दे देता है। अगर हमारी स्किन कहीं से लाइट है कहीं से डार्क है तो उस स्किन को एक जैसे टोन हमारा फाउंडेशन दे देता है, एक परत हमारी स्किन के ऊपर आ जाती है, जिससे कि हम स्किन को एक न्यू लुक दे सकते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को छुपा सकते हैं, हमारी स्किन को अनइवन जो स्किन है हमारी उसको इवन लुक दे सकते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन का सिलेक्शन करते टाइम आप स्किन टोन का ध्यान रखें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लाइट है, अगर या फिर आप एज ए ब्यूटी थेरेपिस्ट आप किसी बहुत ज़्यादा लाइट स्किन के ऊपर आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा लाइट स्किन के ऊपर आप लाइट कलर
थोड़ा सा, जिसकी बहुत ज्यादा फेयर स्किन है उसके ऊपर हम एक शेड लाइट करेंगे, ताकि क्योंकि ऑलरेडी उसकी स्किन बहुत ज्यादा फेयर है, तो उसके ऊपर अगर हम फेयर बहुत ज्यादा फाउंडेशन यूज कर देंगे तो इट मीन्स उसकी स्किन और भी ज्यादा ड्रामेटिक लगेगी, बनावटी लगेगी। तो जिसकी बहुत ज्यादा फेयर है उसके ऊपर हम एक शेड लाइट मतलब डार्क जो है डाउन फाउंडेशन का यूज करेंगे। सेम चीज अगर किसी की स्किन मीडियम है तो मीडियम कलर के फाउंडेशन यूज करेंगे, अगर किसी की डार्क स्किन है तो हम पहले डार्क स्किन का फाउंडेशन यूज करेंगे, उसके बाद एक शेड लाइट फाउंडेशन का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पहले उसकी स्किन को प्रिपेयर करना है। अगर आप डायरेक्ट ही एक शेड लाइट लगा देंगे तो उसकी स्किन जो है उभर के नहीं आएगी, वो एक ड्रामेटिक लुक दे देगी आपको, ठीक है। तो फाउंडेशन को लगाने के लिए आप सबसे पहले या तो आप अपने रिस्ट के ऊपर एक दो ड्रॉप निकालें, कभी भी ज्यादा फाउंडेशन ना लें, या फिर जो फाउंडेशन पैलेट होती है पैलेट के ऊपर आप एक दो ड्रॉप्स जो है फाउंडेशन की आप डालेंगे। उसके बाद अगर आप स्पंज से यूज कर रहे हैं फाउंडेशन को लगाना, तो आप हमेशा वेट स्पंज का यूज करें, ठीक है। स्पंज को डैम्प करके पानी के अंदर उसको अच्छी तरह से निचोड़ के स्क्वीज करके उसके बाद आप उस स्पंज से जो है फाउंडेशन को पूरे फेस पे लगाना स्टार्ट करें, स्पंज की हेल्प से उसको मर्ज करेंगे। अगर आप फिंगर का यूज कर रहे हैं तो आप फिंगर की हेल्प से डॉट डॉट करके स्किन के ऊपर लगाएंगे और अच्छी तरह से उसको फिंगर टिप्स की हेल्प से ही हम फाउंडेशन को स्किन के अंदर मर्ज करेंगे, ठीक है। तो हमेशा आप फाउंडेशन को लगाते टाइम ध्यान रखें कि कभी भी एक्स्ट्रा ओवर एक्स्ट्रा लेयर कभी भी फाउंडेशन की ना लगाएं। सबसे पहले आप लाइट एक लेयर लगाएं, उसके बाद लगाने के बाद अगर आपको लगता है कि लेयर की एक्स्ट्रा लेयर की जरूरत है आपको, तो ही आप एक्स्ट्रा लेयर उसके ऊपर लगा सकते हैं। दूसरी बात, फाउंडेशन जब आप लगाएं तो फेस के साथ साथ हमारा जो आईज का पार्ट होता है, आई लीड वाला एरिया, और हमारा जो लिप एरिया होता है उसको भी कवर करें, क्योंकि उनके ऊपर आप जैसे मान लो आप स्किन के ऊपर फाउंडेशन लगा रहे हैं तो आपके साथ साथ ये भी आपका फेस का ही एक पार्ट होता है, और लिप्स के ऊपर फाउंडेशन लगाने से आपकी जो लिप कलर होता है वो आपका लॉन्ग लास्टिंग जो है एक स्टे करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फाउंडेशन। सेकेंड आता है हमारा कंसीलर। कंसीलर के बारे में जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि जो कंसीलर होता है वो हमारी फेस की प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए होता है। जैसे कि हमारे फेस के ऊपर अंडर आई डार्क सर्कल हैं, या फिर रेड कलर के मार्क्स हैं, या फिर ब्लैक कलर के डार्क ब्राउन कलर के दाग धब्बे हैं, ठीक है, किसी पिंपल्स या हमारी जो भी किसी प्रॉब्लम के कारण फेस के ऊपर दाग धब्बे रह जाते हैं, उनको कवर करने के लिए, उनको छुपाने के लिए हम कंसीलर का यूज करते हैं। अगर आपकी स्किन पे रेड कलर के दाने हैं या फिर रेड कलर के मार्क्स हैं, तो उनके ऊपर ध्यान रखना, कभी भी आप जो है येलो कलर का कंसीलर अप्लाई ना करें। अगर रेड मार्क्स हैं उनके ऊपर आप ग्रीन कलर का कंसीलर अप्लाई करेंगे। रेड कलर के मार्क्स के लिए ग्रीन टाइप का कंसीलर होता है, और अगर आपके ब्राउन या ब्लैक कलर के दाग धब्बे हैं या फिर आपके अंडर आई डार्क सर्कल हैं ब्लैक कलर के, तो आप उस कंडीशन में आप यूज करेंगे हमारा ऑरेंज टाइप का जो कंसीलर होता है वो हम यूज करेंगे। तो सेम चीज है, जो कंसीलर वो अप्लाई जब हम करेंगे तो कंसीलर को अप्लाई करने के लिए आप जो है अपने फिंगर टिप का भी यूज कर सकते हैं। फिंगर टिप से आप डैब डैब करके स्किन पे लगा सकते हैं जहां भी प्रॉब्लम है। पूरे फेस पे नहीं लगाना, जहां पे भी प्रॉब्लम है आपके, ठीक है, डार्क एरिया जहां पे भी है, दाग धब्बे जहां पे हैं, मान लो अंडर आई डार्क सर्कल हैं, तो आप क्या करेंगे कि फिंगर टिप्स की हेल्प से कंसीलर लेंगे और डैब डैब करके उसको प्रॉब्लम वाले एरिया पे लगाएं। कभी भी उसको रगड़े ना, ठीक है, हमेशा उसको डैब डैब करके लगाएं। सेम चीज है, अगर फेस पे कहीं और कहीं दाग धब्बा है तो भी उसको डैब डैब करके लगाएंगे, ठीक है, कभी भी उसको रगड़ के नहीं लगाएंगे, ठीक है। सेम चीज हमारे माउथ एरिया के आसपास डार्क एरिया होता है, वहां पे भी आप उसको सेम प्रोसीजर के थ्रू लगा सकते हैं। अगर आप स्पंज का यूज करें तो वेट स्पंज का भी आप यूज कर सकते हैं, ड्राई स्पंज का भी यूज कर सकते हैं आप उसके लिए। सेम चीज होती है हमारी। नेक्स्ट अब आती है फेस पाउडर। अभी तक हमने बात किया फाउंडेशन और कंसीलर। जो कंसीलर होता है वो हम पहले यूज करते हैं फाउंडेशन से पहले।
प्रॉब्लम जो भी स्किन के ऊपर होती हैं, आपके दाग धब्बे हैं या आपके रेड कलर के मार्क्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा, तो पहले हम प्रॉब्लम को छुपाएंगे, उसके बाद हम फाउंडेशन लगाएंगे ताकि हमारी स्किन इवन दिखे। ठीक है, पहले हमें प्रॉब्लम को छुपाना है, वो किससे छुपेगी? कंसीलर से। उसके बाद स्किन इवन किससे दिखेगी? फाउंडेशन से। अब मेन काम हमारा हो गया, ठीक है, मेन हमने जो प्रॉब्लम थी वो भी छिपा ली, फेस को इवन लुक भी दे दिया हमने फाउंडेशन की हेल्प से। अब आता है हमारा नेक्स्ट फेस पाउडर, इसको हम ट्रांसलूसेंट पाउडर भी बोल देते हैं या फिर लूज पाउडर भी बोल देते हैं। लूज पाउडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ओपन होता है, जैसे आप नॉर्मल पाउडर यूज करते हो, ठीक है, वो ओपन, उसको लूज पाउडर या फिर ट्रांसलूसेंट पाउडर भी बोल देते हैं। तो फेस पाउडर का मेन काम होता है, जो भी हमने प्रोडक्ट यूज किया है फेस पाउडर से पहले, लाइक कंसीलर या फाउंडेशन, उसको सेट करना काम होता है हमारा फेस पाउडर का। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो भी हमने फाउंडेशन लगाया उसको सेट कर देता है, पसीना कम आने देता है और हमारी स्किन को एक यूथफुल लुक देता है। मींस एक हमें एक क्या बोलते हैं उसको, यूथफुल लुक मिलेगा, फ्रेशनेस, यंग युक जो है लुक मिलता है हमें फेस पाउडर लगाने से। इसको लगाने का तरीका भी हमारा सेम है, या तो आप फेस पाउडर जो है स्पंज आता है उसका यूज कर सकते हो, या फिर आप ब्रश आती है उसका यूज कर सकते हो, या फिर जो भी हमारा फेस पाउडर आता है उसके अंदर ही पफ अलग से आता है उसका यूज भी आप कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ओवर एक्स्ट्रा लूज पाउडर या फेस पाउडर स्किन पे ना लगाएं, क्योंकि वो अलग से दिखेगा। एक्स्ट्रा जो भी आपको लगता है वो ब्रश की हेल्प से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके अगर आईब्रोज के ऊपर लग जाता है या फिर आईज के ऊपर एक्स्ट्रा आपको लगता है, तो आप ब्रश की हेल्प से उसको क्लीन कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आपको एक तो नेचुरल लुक मिलता है, मेकअप को सेट करता है, दूसरा इवन लुक मिलता है, और जो हमारी ड्राइनेस होती है या फिर ऑयलीनेस होती है स्किन के अंदर, ड्राई तो नहीं करता ये, लेकिन जो ऑयल अगर होता है हमारे फेस का उसको कंट्रोल करता है। ऑयली अगर स्किन है तो उसको कुछ टाइम तक उसको मेकअप को सेट कर देगा और कुछ टाइम तक ऑयलीनेस को खत्म कर देगा, उसको मीन स्लो प्रोसेस कर देगा उसकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ब्लशर। जो ब्लशर होता है इसको हम चिक पाउडर भी बोल देते हैं। ब्लशर का यूज कहाँ करते हैं? हम चिक्स के ऊपर यूज करते हैं, तो इसको हम इसीलिए चिक पाउडर भी बोल सकते हैं या फिर चिक कलर भी बोल सकते हैं, चिक ब्लशर भी बोल सकते हैं। एंड ब्लशर इज ऑल्सो कॉल्ड रूज, ROUGE, या फिर रूज इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लशर। कैसे भी आप एक नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में किसी टाइप से भी आ सकता है घुमा फिरा के, तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, चिक कलर बोल सकते हो, चिक जो है पाउडर बोल सकते हो, या फिर रूज बोल सकते हो, या फिर ब्लश बोल सकते हो, और ब्लशर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मेन जो काम होता है ब्लशर का होता है हमारे चिक्स को कलर देना, ताकि एक लुक जो है यंग लुक आए और अच्छा फ्रेशनेस लुक हमारी स्किन दिखे, यंग लुक दिखे। जो ब्लशर होते हैं ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं, कॉम्पैक्ट ब्लशर होता है और एक होता है क्रीम ब्लशर। तो जो कॉम्पैक्ट ब्लशर होता है वो हमारा एज ए कॉम्पैक्ट पाउडर की तरह या लूज पाउडर की तरह होता है, वो कलर में होता है, सिर्फ इतना फर्क है। ठीक है, हमें स्किन के ऊपर जो है नेचुरल पिंक देना है, डार्क ब्राउन देना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, तो हम वैसे ही कॉम्पैक्ट जो है ब्लशर का यूज कर सकते हैं। सेम क्रीम जो ब्लश होता है वो क्रीम टाइप में होता है, उसको आप लगा के आसानी से ब्रश की हेल्प से भी मर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो जो ब्लशर होता है इसको लगाने के लिए आप जो है ब्लशर ब्रश का यूज कर सकते हैं। एकदम से ज़्यादा ब्लशर ना लगाएं कभी भी, कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पिंक पिंक हो जाता है, उसके बाद हम दोबारा से उसके ऊपर फाउंडेशन या फिर उसको लाइट करने के लिए लूज पाउडर लगा देते हैं। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में बहुत ही लाइट जो है ब्लशर यूज़ करें। अगर आपको लगता है नीड है कि हाँ मुझे थोड़ा सा और डार्क कलर करना चाहिए, तो आप बाद में जो है डार्क कलर दे सकते हैं, अदरवाइज स्टार्टिंग में जो है बिल्कुल लाइट कलर रखें। ठीक है, तो उसको अप्लाई हम जब करेंगे तो हमारा जो है नीचे से ऊपर की तरफ हम करते हैं चिक एरिया पे। ठीक है, तो हम ब्लशर का यूज़ हमें जब ब्लशर ब्रश का यूज़ करें तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे, हमारी जो हड्डी होती है ये वाली, जब एक तरह से हम ये चीज़ देखो ऐसे बनाओगे आप, तो ये चीज़ आपको आपकी जो शेप होती है चिक्स की अलग से दिखाई देगी, तो यहाँ पे आपको
ब्लश करना है, उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि वो ओवर एक्स्ट्रा ना दिखे, अलग सा ना दिखे, अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि स्किन के अंदर जो है नेचुरल लुक दे वो। नेक्स्ट हमारा आता है आई शेडो। आई शेडो का यूज आप सभी को पता है, आईज के ऊपर करते हैं, आईज को कलर देने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका यूज हम स्किन के अकॉर्डिंग भी करते हैं, हमारे जो ड्रेसअप होता है उसके अकॉर्डिंग भी करते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा जो है चले हुए हैं, 3D आई मेकअप भी चला हुआ है, 4D भी कर सकते हैं, या फिर मिक्स एंड मैच करके आप ड्रेस के यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर आपको ड्रामेटिक जो है लुक देना है, स्मोकी आईज लुक देना है, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आईज को लुक दे सकते हैं। तो जो हमारा आई शेडो होता है ये भी हमारा तीन टाइप में आता है, एक तो हाइलाइटर, सेकेंड हमारा होता है मीडियम कलर, एंड थर्ड होता है हमारा जो आईलाइनर कलर्स होते हैं वो। हाइलाइटर के नाम से आप समझ गए होंगे कि हाइलाइट जो कलर होते हैं वो हमेशा बिल्कुल ही लाइट होते हैं, जैसे कि वाइट कलर आ जाएगा या वेरी बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाइट कलर आ जाएगा, ठीक है, तो इसके अंदर हमें, या फिर न्यूट्रल कलर आते हैं बिल्कुल, तो वो हम हाइलाइटर के लिए यूज़ करते हैं। और हमेशा जो हाइलाइटर यूज़ करेंगे वो हमेशा हम यहाँ पे हमारा जो बिल्कुल थ्रेडिंग के नीचे जो पार्ट होता है उठा हुआ, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो आईज़ का पार्ट है वो थोड़ा सा उभरा हुआ दिखे। नेक्स्ट आते हैं हमारे मीडियम कलर। मीडियम कलर के अंदर जो भी हम कलर यूज़ करते हैं वो सभी आते हैं, जैसे कि ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है, तो ब्राउन हो गया, ये सारे के सारे कलर जो होते हैं ये मीडियम कलर में आते हैं। इनका चूज, इनका या सिलेक्शन हम ड्रेसअप के अकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, और जो है मिक्स एंड मैच करके 3D या 4D लुक हम दे सकते हैं मिक्स करके। जो नेक्स्ट हमारा कलर होता है आई शेडो का, वो होता है आईलाइनर कलर्स। जैसे हमारे आईलाइनर के कलर होते हैं, ज़्यादातर दो ही कलर आते हैं, या तो ब्लैक आता है या फिर ब्राउन होता है, जो नेचुरल कलर जो ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो जो आईलाइनर कलर होते हैं उनसे हम आईलाइनर भी लगा सकते हैं, और अगर हम स्मोकी लुक अगर आईज को देना चाहें, ठीक है, तो हम जो है डार्क कलर का यूज कर सकते हैं, ब्लैक या फिर ग्रे कलर का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लैक और ग्रे कलर का यूज करेंगे वो ध्यान रखें, सिर्फ हमें अगर स्मोकी लुक देना है आईज को, ठीक है, तो ही हम उसका यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अदरवाइज बाकी बहुत से कलर हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर डार्क और ग्रे कलर का यूज कर रहे हैं तो आप स्मोकी आईज के लिए ही उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आईलाइनर। जो आईलाइनर होता है उसको सभी आमतौर पर आजकल तो बहुत जो है सभी मेरे स्टूडेंट्स लगा लीजिए, या फिर जो भी महिलाएं हैं उनको अच्छी तरह से वेल नोन है इसके बारे में आईलाइनर, क्योंकि आजकल तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप प्रोफेशनल हैं, कहीं पे आना जाना है डेली रूटीन में, तो भी आप नॉर्मल चीज़ हैं ये अपने आईज को आईलाइनर से कवर करके जाना, ठीक है। जो आईलाइनर होते हैं वो भी हमारे मोस्टली दो टाइप्स के होते हैं, दो कलर में आते हैं, ब्लैक या फिर ग्रे कलर। लेकिन आजकल जो है बहुत टाइप्स के कलर भी आने लग गए, आप जो है ड्रेस के अकॉर्डिंग ब्लू भी आता है, रेड भी आता है, हाईलाइट येलो भी आता है, तो आप मिक्स मैच करके उन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं आँखों को अच्छा लुक देने के लिए। अगर आप मॉडल हैं, ग्लैमर लुक देना है, तो आप कलर्ड आईलाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल रूटीन में आप यूज़ कर रहे हैं, ब्राइडल के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, तो आप ब्लैक या ब्राउन कलर का ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो आईलाइनर को लगाने का तरीका होता है वो हमारे जो टिप होती है लाइनर की, जो उसमें हम स्टार्टिंग जो पॉइंट है वहाँ से लगाना स्टार्ट करके और लास्ट तक जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने भी लगा रखा है, तो स्टार्टिंग यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक लगा के आएंगे। अगर आपको पीछे से पॉइंट निकालना है तो थोड़ा सा पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अगर आपकी आँखें जो हैं बड़ी हैं तो आप थोड़ा सा उनके ऊपर बड़ा लाइनर लगा सकते हैं। अगर छोटी आईलाइनर आईज होती हैं उनके ऊपर कभी भी मोटा लाइनर ना लगाएं। हाँ, लास्ट में थोड़ा सा आप विंग निकाल सकते हैं ताकि आईज आपकी बड़ी दिखाई दे, तो इससे आप अपनी आंखों को जो है अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो, बड़ा या छोटा दिखा सकते हो लगाने के तरीके के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा लिप पेंसिल, जिसको हम लिप लाइनर पेंसिल भी बोल देते हैं। लिप लाइनर नाम से ही समझ गए होंगे कि लिप्स की लाइन बनाने के लिए जिस पेंसिल का यूज किया जाए, ठीक है। हम अगर लिप्स की हम शेड देंगे
तो हम जो है लिप लाइनर की हेल्प से उसकी लाइन बना सकते हैं। पहले इस टाइप में पहले हम जो है आउटलाइन देंगे। आउटलाइन देने के बाद क्या होता है कि उसके बाद ही उसके अंदर लिपस्टिक फिल की जाती है। पहले हम अगर हमें अगर किसी के जो लिप्स हैं वो छोटे हैं उनको अगर बड़ा थोड़ा सा दिखाना है तो जो भी हमारी शेप होती है लिप्स की उससे हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ शेप दे देंगे, ठीक है। अगर हमारे लिप्स बड़े हैं तो अगर हमें छोटी उसकी शेप देनी है तो हम अंदर की साइड में थोड़ी सी शेप बना देंगे लिप्स की, ठीक है। तो ये लिप लाइनर पेंसिल ये हम लिपस्टिक के अकॉर्डिंग जो है इसका यूज करेंगे। जो भी हमारी आउटलाइन है इसको शेप देने के लिए जो है हम लिप पेंसिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लिप कलर, ठीक है, जिसको हम लिपस्टिक भी बोल देते हैं, ठीक है, जिसको हम लिपस्टिक भी बोल देते हैं। अब जो लिप कलर होता है वो हम लिपस्टिक जिसको हम बोलते हैं वो लिप के अंदर फिल करने के लिए होता है। लिप लाइनर का यूज किया था हमने लिप्स की लाइन बनाने के लिए। उसके बाद जो लिप कलर होता है जो लिप ब्रश होती है लिपस्टिक ब्रश उसकी हेल्प से हम अंदर जो है फिल कर सकते हैं। ब्रश की हेल्प से लिप्स के अंदर हम फिल कर देंगे कलर को, ठीक है। तो लिप कलर हम ड्रेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और जो है इससे हमारी जो है स्किन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे लिप्स, जिसकी वजह से जो है पूरा मेकअप एक निखर के आता है। आप के ऊपर जो है कौन सा कलर आपके ऊपर सूट करता है, अगर मीडियम स्किन है हमारी तो उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा जो है लाइट कलर ना लगाएं, ठीक है। फेयर कलर के ऊपर आप कोई भी लिपस्टिक कलर लगा सकते हैं वो सूट कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा जो है डार्क स्किन है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क ना लगाएं, उसके ऊपर हल्के से लाइट शेड लगाएं। तो बहुत कलर का भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारी स्किन के ऊपर मेकअप के अंदर। तो ये तो था आज हमारा सारा मेकअप प्रोडक्ट के बारे में कि उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट्स को हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के ब्लशर होते हैं, कितने टाइप्स की आई शेडो होती हैं, लिप पेंसिल क्या होती है और हमारा लिप जो है लाइनर लिप पेंसिल एक ही चीज़ होती है, आई लाइनर क्या होती है। तो ये चीज़ें थी हम कि कैसे स्किन के ऊपर इनका यूज़ करेंगे, कैसे इनको अप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे इनको अप्लाई करना है। तो इसको आप अच्छे से देखिए और समझ आ जाएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा 12th का है नेक्स्ट हम वो करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और जो भी आपके नोटबुक में जो आपको नोट्स रिटर्न में दिए गए हैं उनको आप जो है सामने रख के और फिर ये लेसन आप समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये डेली रूटीन की चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, इनमें आपको इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से बिल्कुल आप एक रिवीजन में ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये, ठीक है। और जो है अभी स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो उम्मीद करती हूँ सभी स्टूडेंट जो है जल्दी से जल्दी स्कूल में आना स्टार्ट करें। बहुत जो है अभी भी स्टूडेंट आ नहीं रहे तो आप रेगुलर जो है अपना स्कूल अटेंड करें, मास्क वियर करके आएं, सैनिटाइज आपके साथ लेके आएं, हो सके तो पानी की बोतल अपने साथ लेके आएं ताकि आपको किसी से सोशल जो डिस्टेंसिंग है वो भी आपकी जो है एक नियम ना टूटे और उस नियम में रह के ही आप जो है सारी चीज़ें स्कूल भी अटेंड कर सकें और अपनी क्लास भी ज्वाइन कर सकें। इसी के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे सभी विद्यार्थियों का और हमारी एजुसेट प्रणाली का, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।